25 मार्च से 31 मार्च तक जो है पनागर जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा। सब करो सब भव्य दिव्य तैयारी और 25 मार्च से 31 मार्च तक पनागर जबलपुर आ रहे हैं मुग्धरधारी। 24 तारीख को हम एक भक्त कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जिसमें कम से कम 25,000 महिलाएं और पुरुष हमारे भाई बहन शामिल होंगे और ये यात्रा देवरी से होकर कथा स्थल तक आएगी क्योंकि पनागर में ही हम हरेश्वर धाम की कथा का आयोजन कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मध्य प्रदेश ब्लॉग टीपी। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं पनागर जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं। यहां पर वही तैयारी चल रही है, ये है स्टार्टअप एंट्री गेट और ये पीछे हमारा स्टार्ट हो रहा है, पूरा डेकोरेट हो रहा है। यहां पर आने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। फ्रेंड्स, पनागर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 25 मार्च 2023 को आने वाले हैं, ये रहा उधर का सेटअप। और 24 तारीख को है कलश यात्रा जहाँ पर भव्य भीड़ रहेगी जो आपको देखने को मिलेगी। सो हम दिखाएंगे आपको 24 मार्च का भी सीन, और जस्ट स्टार्टअप हो रहा है, पूरी तैयारी चल रही है, दिखाएंगे आपको अंदर भी कैसी तैयारी हो रही है। तो चलते हैं अंदर और बने रहिए मध्य प्रदेश ब्लॉग टीवी के साथ। फ्रेंड्स, बागेश्वर धाम सरकार हमारे पनागर जबलपुर में आने वाले हैं, जहाँ का पूरा एड्रेस बता देता हूँ, पनागर जबलपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। तो यहाँ पर आने वाले हैं और अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अंदर का आपको लोग दिखाते हैं क्या ऐसी तैयारी हो रही है। तो चलते फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंड्स, हमने अंदर एंट्री ले ली है, ये है हमारा फ्रंट गेट एंट्री गेट। यहाँ पर दो एंट्री गेट हैं, एक ये है और एक उस साइड पर है। और ये है पूरी लोकेशन, काफ़ी बड़े एरिया में तैयारी चल रही है और अभी तैयारी चल रही है, तो टेंट लग रहा है अभी, पूरी तैयारी डेकोरेशन का पूरा काम चल रहा है और काफ़ी ज़ोर तोर से तैयारी चल रही है ईश्वर धाम सरकार के स्वागत के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स और आपको दिखाते हैं क्या कैसा सीन है इधर पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है पनागर जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है जिनके वाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी पनागर जबलपुर में आएँ और श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण लाभ उठाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे। काफ़ी ज़ोरों से तैयारी चल रही है और यहाँ पर डेकोरेशन का काफ़ी काम चल रहा है जो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। और यहाँ पर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, बस डेकोरेशन का बस बाकी है जो अभी कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। यह स्टेज जहाँ पर हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बैठेंगे, तो देख सकते हैं आप पूरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है 25 मार्च 2023 को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पनागर जबलपुर में आने वाले हैं जिनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। और यहाँ का एरिया फ्रेंड्स काफ़ी लगभग बहुत ही बड़ा है जहाँ पर सीन देखने लायक रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु भक्त आएंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो यहाँ पर कथावाचक करेंगे, उनको देखने, उनसे मिलने, कथा का संपूर्ण लाभ उठाने काफ़ी दूर दूर से लोग आएंगे जो आप लोगों को दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो पर। अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर तैयारी चल रही है, उस चीज़ का आपको दिखाया जाएगा
उस चीज़ का आपको दिखाया जा रहा है। सारे दिन की कथा आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, बने रहिए मध्य प्रदेश ब्लॉक टीवी के साथ। सो फ्रेंड्स, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का काफ़ी धूमधाम से स्वागत किया जाएगा हमारे पनागर में, जो आप यहाँ की तैयारी देख ही सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या कैसा सीन होने वाला है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के स्वागत में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के स्वागत में यहाँ पर काफ़ी तैयारी हो रही है और जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ की जो ये रोड है ये लगभग 7 दिनों तक बंद रहेगी, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर तक। और यहाँ पर जहाँ पर भागवत होने जा रही है ये जगह कहीं और है, और भंडारा होगा जहाँ पर वो जगह कहीं और है। और यहाँ पर जो पार्किंग स्थल आपको दी जाएगी उसकी व्यवस्था है यहाँ पर। पार्किंग स्थल यहाँ से लगभग थोड़ा ही दूर है, 4-5 जगह पार्किंग स्थल है। यहाँ पर लोग आएंगे तो सिर्फ पैदल आएंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ रहेगी। और इस स्थान पर गाड़ियाँ अभी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएंगी, जैसे कि आप लोगों को पता है रोड भी बंद रहेगी तो वैसे गाड़ी आ नहीं सकती। क्या बोलते आसिफ भाई? बिल्कुल नहीं आ सकती है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर तैयारियाँ ऐसे चल रही हैं कि आप लोग देखोगे ना, है आओगे तब बिल्कुल क्या बताएं। भाई सचिन, बढ़िया भाई, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया भाई, आओगे? इतना वाला पंडाल है, क्या बताएं भाई। आओगे आप यहाँ पर कथा सुनने? बोलाएंगे, डेली आएंगे भाई, डेली आप भी आना भाई। कलश यात्रा भी है 24 को ना? कब है? 24 तारीख। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कब आ रहे हैं? वो भी 24 ही जाएंगे, कलश यात्रा में भी रहेंगे और 25 को यहाँ पर दरबार लगे, मतलब बैठेंगे यहाँ पर स्टेज में ना। 25 को भागवत, 5 दिन के लिए भागवत और 2 दिन के लिए दरबार लगेगा, ऐसी जानकारी अभी मिली है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइएगा आप भी यहाँ पर, आपको डेली का ब्लॉग मिलेगा भाई भाई के चैनल। हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ जी, और यहाँ पर भागवत आपको दिखाई जाएगी, आप आइए और यहाँ पर भागवत का संपूर्ण लाभ उठाएं। तो बनिए रहिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ब्लॉग टीवी के साथ। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं उसी बिल्कुल सामने जगह पर जहाँ पर दरबार लगने जा रहा है श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। आप सब देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा होगा, जिसमें आने वाले लोग यहाँ पर मतलब जगह की और भी ज़्यादा व्यवस्थित की गई है, जिसमें आगे और भंडारे का जो भी व्यवस्थित की गई वो और आगे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ही दरबार लगेगा और भव्य कथा का जो आयोजन होगा यहीं पर होगा। और अभी तो तैयारियाँ चल रही हैं, आप देख सकते हैं अभी मज़दूर लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैयारी चल, समथिंग 1 महीने से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसी के लिए अभी तैयारियाँ लगी हुई हैं। और कुछ ही दिनों बाद, बस कुछ ही दिन की ही देरी है, हमारे यहाँ भगवान श्री भागेश्वर धाम जी पधारने वाले हैं और हमें तो इसका बहुत ही हर्षोल्लास से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है। हमारे यहाँ पनागर की पावन भूमि पर श्री मुग्धरधारी पधार रहे हैं। आप देख सकते हैं मतलब कितना अच्छा भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं यहाँ पर और लोग लगे हुए हैं। यही वो फर्स्ट वो दरबार लगेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही मतलब कितनी ही सुंदर तरीके से दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर एग्जैक्ट हम उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यहीं दरबार लगेगा। आप देख सकते हैं अभी तो तैयारियाँ चल रही हैं, मजदूर लगे हुए हैं और यहीं फर्स्ट पर जहाँ पर आप उनकी दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर सामने बैठ कर। और भी आप देखेंगे अभी तो काम चल रहा है, मैं क्या बोलूँ, यहाँ आकर ही पता चलेगा यहाँ का जो माहौल रहेगा। आपको दिखाया जाएगा घर की पूरी तैयारी। तो फ्रेंड्स इधर का ब्लॉग था यही समाप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर।